अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन टू माई चैनल सेल्फ ग्रूमिंग बाय ज़ारा। हमेशा की तरह आपके साथ एक और खूबसूरत सी आई मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने कमेंट्स में साथ शेयर कीजिए कि आपको ये लुक कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है मिस रोज़ का। ज़्यादातर प्रोडक्ट इसमें जो इस मेकअप में मैं यूज़ कर रही हूँ वो होंगी मिस रोज़ की। और इस तरह से मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया और अपनी कंसीलर भी इसी का यूज़ किया है, लेकिन आईलेट के ऊपर जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीफुल बाय आमना का है। अच्छी तरह से इसको सेट करूँगी। सेट करने के बाद इसको ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने किया है लाइट ब्राउन से इसकी स्टार्ट लिया है, उसके बाद इसको डार्कर की तरफ ले जाऊँगी और हल्का सा इसमें ब्लैक आई शेडो भी ऐड करूँगी। और उसके बाद अपने लिड के एरिया को साफ़ कर लूँगी क्योंकि मुझे कट क्रीज क्रिएट करनी है। क्रीज क्रिएट करने के लिए सबसे इजी तरीका है अपना लिड पर डॉट लगाएं, ऊपर की तरफ देखें और अपना उसके साथ साथ लाइन क्रिएट करते जाएं और इजीली आपकी क्रीज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कॉर्नर पे भी मैंने इसी तरह से वही कलर यूज़ करे हैं किए हैं। मेरी वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने कट क्रीज करना सिखाया है। तो जो लोग नहीं कर सकते, जो बिगनर्स हैं, वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का ही ये लाइनर यूज़ किया है, छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ एक लाइनर सा बनाया। उसके बाद मैंने अपनी जो कॉर्नर है उसको कंसीलर की हेल्प से क्लीन किया। उसके ऊपर मिस रोज़ का आई फिक्स ग्लिटर फिक्सर यूज़ किया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने ग्लिटर यूज़ किया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको दिया फाइनल लुक। मस्कारा यूज़ किया है और लैशेस लगाई हैं, तो फाइनल लुक है आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये लुक। तो प्लीज़ रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।